और आज पूरे देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। दो ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिले हो लोग, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिले हो लोग। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिले हो लोग और सारे देशभक्त हमारे गिले हो लोग। देशभक्त और अंधभक्त को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर किया करारा हमला। कहा, जितने देशभक्त हैं मेरे साथ हो लो और जितने अंधभक्त हैं वो भाजपा के साथ चले जाओ। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा खुलकर कह रही है कि उनकी 370 सीट आ रही है, उन्हें आपके वोट नहीं चाहिए पर हमें आपकी वोट चाहिए। मैं दिल्ली से आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेने और वोट मांगने आया हूँ। सुनील गुप्ता जी घर घर जाकर अपने वोट मांग रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें ही वोट देना। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुनील कुमार गुप्ता को सांसद बनाना, जो व्यापारियों और किसानों के आवाज को उठाएगा, जो आपके दुख दर्द में काम आएगा। सुनील गुप्ता आपके अपने आदमी हैं, बीजेपी के गुलाम नहीं हैं। आप प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। अब आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर कुरुक्षेत्र में खड़े होकर क्या कुछ कहा है। ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना इसका घर होगा, वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम। उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी उनकी तो रोटी तो दी रोटी तो नहीं खाता, आपकी आवाज उठाएगा। अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके। उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के दसों की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया और किस तरह भाजपा को वोट ना देकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता को वोट देने को कहा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज लॉकर। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो फिर क्यों दे रहे हो वोट। मैं दिल्ली से आया हूँ आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूँ। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है उनको जाने दो।